अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 1 नंबर्स, एक्सरसाइज नंबर 1.1, पेज नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर मैथ बुक पेज नंबर 6। दिस इज योर एक्सरसाइज 1.1। नाउ आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। जब हम वर्ड्स को फिगर में राइट करते हैं तो पहले हम प्लेसेस को राइट करते हैं। यहाँ हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया हुआ है, इसमें हमने पोर्शन बनाए हैं और प्लेसेस राइट की है। पहला पोर्शन वंस का है, दूसरा थाउजेंड का, लेक, करोड़ और अरब। जब हम पोर्शन बनाते हैं तो राइट साइड से बनाते हैं, जब हम वर्ड्स को फिगर में राइट करते हैं तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है वन अरब, तो वन अरब है तो हम वन को अरब के पोर्शन में राइट करेंगे। 36 करोड़, 36 को हमने करोड़ के पोर्शन में राइट किया है। 78 लेक, क्योंकि ये लेक है तो उसको हम लेक के पोर्शन में राइट कर रहे हैं। 54 थाउजेंड के पोर्शन में राइट किया है। अब है हमारे पास 127, इसको हमने वंस के पोर्शन में, क्योंकि वंस में 3 डिजिट का पोर्शन होता है और ये हमारे पास 3 डिजिट वैल्यू है। पॉइंट नंबर 2, वन अरब को हमें फिगर में राइट करना है। फिगर में राइट करने के लिए हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। वन अरब में वन अरब है इसलिए हम वन को अरब के पोर्शन में लिखेंगे। अब हमारे पास कोई दूसरी वैल्यू नहीं है, यानी दूसरा पोर्शन है करोड़ का। जब हमारे पास करोड़ की वैल्यू नहीं तो उसकी जगह हम ज़ीरो लगाते हैं। अब हमारे पास है तीसरा पोर्शन लेक का, जब लेक की वैल्यू नहीं है तो हम उसकी जगह भी ज़ीरो लगाते हैं। फिर थाउजेंड नहीं है तो हम उसकी जगह भी ज़ीरो लगाते हैं। इसके बाद है हमारे पास वंस में हमारे पास 3 प्लेसेस हैं इसलिए हम यहाँ भी ज़ीरो लगाएंगे कि कोई वैल्यू नहीं है। अब ये हमारे पास हो गया है वन अरब में 10 डिजिट्स होते हैं, हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से लिखना आ गई होगी। शुक्रिया, ये आपकी असाइनमेंट है जो आप स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।